कितनी रोमांटिक जगह है ये। पुराने जमाने में ये जगह बहुत खूबसूरत रही होगी। मैंने सुना ये तुम्हारे पुरखों की हवेली थी। हाँ, हमारे बुजुर्ग कभी यहाँ रहते थे। मम्मी डैडी भी? नहीं, वो लोग नई हवेली में रहते थे। फिर भी डैडी को इस जगह से बहुत लगाव था। वो अक्सर यहाँ आया करते थे। क्यों? ये तो मालूम नहीं, मगर उनकी माँ उन्हें यहाँ आने से रोकती थी। माँ बता रही थी किसी जगह पर तुम्हारे डैडी को बचपन में सांप ने काट लिया था। एक साधु ने उन्हें तो बचा लिया था, मगर वो सांप मर गया था। अच्छा, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो ये भी मालूम हुआ है कि वो सांप मणिधारी था। और अगर ये सच है तो मणि यही कहीं होनी चाहिए। मणि? ये मणि क्या चीज है? तुम्हें नहीं मालूम? बहुत ही कमाल की चीज है, जादू चिरा की तरह। वो जिसके हाथ लग जाए वो दुनिया के बड़े से बड़े खजाने का मालिक बन सकता है। चलो ढूंढते हैं उसे। आनंद, मुझे दुनिया के किसी खजाने से कोई मतलब नहीं है। मेरा सबसे कीमती खजाना तो मेरे सामने है, जो न जाने कितने जन्मों की तपस्या के बाद मेरे हाथ लगा है। अरे, क्या सोच रहे हो? कुछ। चलो तुम्हारे घर चलते हैं, माँ जी से मिलने। चलो ना। अरे बेटी, तुम, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या तुम हमारे घर पर आई हो? ऐसी क्या बात है माँ जी? कृष्ण सुदामा के घर चलकर आए तो सुदामा को अचंभा तो होगा ही। कहाँ राजा साहब की पोती और कहाँ हम। बैठो बेटी, बैठो। माँ, आप लोग बातें कीजिए, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। कहो बेटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। कुछ पियोगी? नहीं नहीं। माँ जी, ये किसकी तस्वीर है? ये आनंद की तस्वीर है। जब वो 7 साल का था, इसी तस्वीर के सहारे मैंने पिछले 15 साल गुजारे हैं। क्या मतलब? हम लोग कुंभ के मेले में गए थे, वहीं ये तस्वीर भी खिंचवाई थी। बस फिर भीड़ में ऐसा खोया मेरा बेटा, क्या पूरे 15 साल बाद मिला। कोई करिश्मा ही हुआ समझो, मैं तो आशा ही छोड़ चुकी थी। आपने पूछा तो होगा इस बीच कहाँ रहे? कहता है साधुओं की संगत में रहा। आपने कभी कभी ज्ञान ध्यान की बातें करता रहता है। मुझे तो डर लगता है कि ये कहीं फिर चला गया तो मेरा क्या होगा। नहीं माँ जी, आप जी छोटा ना करें, आपको छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगी। मैं जानती हूँ बेटी, वो तुम्हें बहुत मानता है। जब से वो तुम्हें मिला है सिर्फ तुम्हारी बातें करता रहता है। मैंने तो सोच लिया है कि उसे जितनी जल्दी हो सके शादी के बंधन में बांध दूंगी। अगर तुम कहो तो राजा साहब से रिश्ते की बात करूं। क्या बातें हो रही हैं? चले आनंद। अच्छा, ये कैसे हो सकता है बेटी, पहली बार हमारे घर आई हो, बिना कुछ खिलाए थोड़े ही जाने दूंगी। तुम दोनों बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। क्या देख रही हो? जानती हो माँ जी क्या कह रही थी? क्या कह रही थी माँ? यही कि हमारी शादी के बारे में दादाजी से बात करेंगी। शादी? इतनी जल्दी क्या है? इसका मतलब है माँ जी ठीक कह रही थी। क्या कह रही थी माँ? यही कि शायद तुम उन्हें छोड़कर चले जाओगे। पहले भी तुम 15 साल तक कहीं गायब थे, कहाँ रहे इतने साल? छोड़ो ना पुरानी बातों को, आओ बैठ। बात को टालो मत आनंद। तुमने कभी ये सोचा है कि वो 15 साल माँ जी ने कैसे काटे होंगे? तुम उनके इकलौते बेटे हो। अरे तुम तो भाषण देने लग गई, मैं कहाँ माँ को छोड़कर जाने वाला हूँ। एक बात याद रखो आनंद, माँ जी का तुम्हारे बगैर कोई नहीं है। बचपन की बात और थी, अगर आप तुम उन्हें छोड़कर चले गए तो शायद ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। आनंद, अब सिर्फ माँ जी ही नहीं, तुम्हें जाने से पहले मेरे बारे में भी सोचना होगा।
मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? तुम तो मेरी जिंदगी का मकसद हो। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मैं अपनी जिंदगी के अंधेरों में ना जाने कब तक भटकता रहता। आनंद, आई लव यू आनंद। ये नहीं हो सकता, हम ये नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। भैरव, भैरव, भैरव। भैरो, महाराज आप यहां? तुम्हें आश्चर्य हो रहा है? याद है आनंद, तुम्हें यहां भेजने से पहले हमने कलश की स्थापना की थी, उसकी पूजा की थी। वो कलश टूट गया है, पूजा भंग हो गई है। तुम भूल गए हो कि हम लोग दुनियादारी के चक्रों में नहीं पड़ते, क्योंकि हम लोग साधु हैं, ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी आप हैं, साधु भी हैं। मैं नहीं, मैं एक सीधा साधा इंसान हूं। ओ, तो हम ये समझ लें कि तुम विद्रोह पर उतर आए हो और नीलम को हमारे पास लाने के बजाय उसके प्रेम जाल में फंस गए हो। यही समझ लीजिए। हमने यही समझने के लिए तुम्हें नाग योनि से मुक्ति नहीं दी थी। हमें वो मनी चाहिए आनंद, जो सिर्फ नीलम के द्वारा हमें मिल सकती है। और नीलम को लेकर तुम आओगे हमारे डेरे पर। मैं तुम्हारे डेरे पर कभी नहीं आऊंगा गोरखनाथ, और नीलम को लाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं और बहुत जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है। अगर बन जाए तो तुम्हारी और नीलम की जोड़ी लाखों में एक होगी। मगर अब यह संभव नहीं, क्योंकि तूने हमारी साधना को भंग किया है। हम तेरे सपने भंग कर देंगे, दूल्हा बनने के सपने। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगी नीलम। अगर तूने नीलम का बाल भी बांका किया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तू हमें जान से मार देगा? तू वही है ना जिसे हमने अपनी तंत्र विद्या से 15 साल तक सांप बनाकर एक पिटारी में बंद कर रखा था। हाँ, 1-7 साल के बच्चे को मेले से उठाकर तेरे जैसा पाखंडी अपनी तंत्र विद्या का नाजायज फायदा उठा सकता है। मगर अब मुझ में इतनी ताकत है कि मैं तेरे पाखंड का मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूं। हाथ भर का सांप 7 हाथ का कैसा गबरू जवान हो गया है। इस जवानी पर इतना गर्व ना कर बच्चे, हमारी सिद्ध शक्तियों के सामने इसका कोई अस्तित्व नहीं। हमारा सिर्फ एक मंत्र तेरे इस लोहे के शरीर को पिघलाकर पानी कर देगा। भगवान की दी हुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा तो तू खुद उसमें चलकर भस्म हो जाएगा। और अगर तूने नीलम की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तेरी आंखें फोड़ दूंगा। और अब इससे पहले कि मैं तुझे तेरी शक्तियों समेत यहां से उठाकर बाहर फेंक दूं, निकल जा यहां से। आनंद, हमारा श्राप तुझे भस्म। अब आपसे क्या छुपाना भाई साहब, जब से नीलम यहाँ आई है कुमार कहीं जाने का नाम ही नहीं लेता। लगता है दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। वैसे जोड़ी भी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात तो यह है भाई साहब कि अगर दोनों खानदान मिलकर एक हो जाए तो इससे शादी ब्याह के मामले में मैं बुजुर्गाना हक या खानदानों की दुहाई देकर निपटाने के हक में नहीं हूँ। आखिर जिन दोनों ने सारी जिंदगी एक साथ रहना है, आखिरी फैसला करने का हक भी उन्हीं को होना चाहिए। जी, नमस्ते आंटी। जीती रहो। आओ बिट्टू, आओ। लीजिए, अब आप खुद ही बात कर लीजिए। कैसी बात दादाजी? बेटी,
तुम शायद ये जानती होगी कि तुम्हारे और मेरे भाई अजय सिंह के खानदान में बहुत गहरे संबंध थे। अजय की बड़ी इच्छा थी कि विजय और तुम्हारे पापा की शादी करके इस संबंध को और भी गहरा किया जाए, लेकिन होनी को शायद ये मंजूर नहीं था। आज किस्मत ने एक मौका फिर दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम और कुमार शादी करके आंटी, मैं क्या कहूँ आंटी, बस इतना समझ लीजिए कि शायद इस बार भी ये रिश्ता होनी को मंजूर नहीं है। दादाजी आप आंटी से बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ, अभी आती हूँ आंटी। मैं चलती हूँ। देखिए बच्चों की बात का बुरा नहीं मानिए, मैंने तो पहले ही कहा था। रहने भी दीजिए, क्या मैं समझती नहीं, चलती हूँ। बिट्टू। हाँ दादाजी। क्या बात है बिट्टू, तूने आंटी को साफ इनकार कर दिया, क्या तुझे कुमार पसंद नहीं है? वो बात नहीं दादाजी, दरअसल। अरे तू अपने दादाजी से शर्मा रही है, कैसी दोस्त है तू, क्या कोई और लड़का पसंद आ गया हमारे बिट्टू को? अरे बोलना। जी हाँ। कौन है वो? है एक पढ़ा लिखा खूबसूरत लड़का आनंद। नाम तो अच्छा है। लड़का भी अच्छा है, वैसे बहुत सिंपल लोग हैं, हमारे खानदान से उनका। अरे पगली, हमने तेरी शादी लड़के से करनी है या खानदान से? चल हमें जल्दी से उससे मिलवा दे। दादाजी थैंक यू। क्या हुआ आंटी? मुझे तो मालूम ही था कि रिश्ता नहीं होगा, सिर्फ तेरी जिद की वजह से वहां जाकर मुझे अपनी बेइज्जती करवानी पड़ी। राजा साहब ने इनकार कर दिया? राजा साहब ने नहीं, खुद नीलम ने साफ इनकार कर दिया। मुझे मालूम है वो किसके चक्कर में है, आज रात मैं उसका इंतजाम कर दूंगा।